हाउ टू रिपेयर ब्रेड मेकर। ब्रेड मेकर में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर इज बल्ब, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि बल्ब नहीं चल रहा है, डिस्प्ले पीसीबी, मेन पीसीबी, एलिमेंट, फ्यूज, हीट सेंसर, मोटर, कैपेसिटर, ड्राइवर ड्रिवन पुलीज एंड बेल्ट। बेसिकली इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ हैं और इनमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो इनको आपने कैसे खोलना है। आपके सामने ये यूनिट रखी हुई है, इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करें। इसके अंदर से सारा सामान जो सा है वो आराम से डिसमेंटल कर दें, निकाल दें, बाहर निकाल दें, ब्लेड अलग रखें, ब्रेड बास्केट जो सी है उसको बाहर रखें। और अब ये आपके सामने यूनिट है। इस यूनिट के लिए सबसे पहले अगर बल्ब खराब है तो आपको इसके स्क्रूज खोलने हैं, जो कि पीसीबी वाली साइड का सबसे पहले आपने सिस्टम खोलना है। ये देखिए यहाँ पर दो स्क्रू हैं, इन स्क्रूज को जैसे ही आप खोलेंगे आपके पास पीसीबी, मेन पीसीबी का पोर्शन आ जाएगा। अब ये इस पीसीबी होल्डर में यहाँ पर सेल्फ लॉकिंग है, ये देखिए ये सेल्फ लॉकिंग की आवाज़ है, ये देखिए। इसको खोलने के बाद जब अंदर से पीसीबी का कनेक्टर है इसको आप निकाल लें और पीसीबी को अलग कर लें। अब अगर आपको पीसीबी बदलनी है, पीसीबी बदलनी है तो पीसीबी के लिए आप इसमें 7 स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रूज को खोल लें। ये स्क्रूज खोल लें। आप इनमें ध्यान रखें कि जब आप जो स्क्रूज खोल रहे हैं उन स्क्रूज को अलग अलग रखें, मिक्स नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर सारी यूनिट में अलग अलग तरह के स्क्रूज हैं जो अलग जगह लगेंगे। अब ये आप पीसीबी देखें, ये हमने पीसीबी अलग कर दी है। पीसीबी के ऊपर ये स्विच, इसके बटन है, ये आप इसको निकाल दें। ये भी इसके अंदर प्लास्टिक के लॉक्स हैं जिनके साथ ये निकलेगा। और ये देखिए ये आपकी पीसीबी कंप्लीट आपके हाथ में आ गई, इसमें कोई फ्यूज नहीं है। आप अगर ये डिफेक्टिव है आप इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे और इसको रिप्लेस करने के लिए नई पीसीबी लगा देंगे और इसको आप वापस भेजेंगे। फिक्स करने के लिए आप ये प्लास्टिक का वापस, इसमें सेल्फ लॉक सिस्टम है, इसको फिक्स करें और ये प्रेस कर दें। अगर आप इसके अंदर देखें बटन जो से हैं वो लूज रखे हुए हैं, इन बटन को बड़े ध्यान से देखें कि जहां पर ये पोजीशन है उसी पोजीशन के ऊपर रखें, कि कहीं ऊपर नीचे मत लगा दें। लाइट की जगह कहीं उसको बेकिंग का ना लगा दें और बेकिंग की जगह लाइट का ना लग जाए, अलग अलग ना लगे, इसलिए बड़े ध्यान से इसको निकालें। ऊपर जो सा इसका ग्लास है, एलईडी कवर है, इसको भी बड़े ध्यान से आप निकाल के रखें। इसके ऊपर कोई स्क्रैच किसी चीज़ के ऊपर ना पड़े, आप मैट, रबड़ मैट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो सी यूनिट है पीसीबी, अगर आप इसको खोलना चाहते हैं ये कस्टमर के घर पे यहाँ तक आप खोल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नई पीसीबी लगाएं, फिक्स कर दें और स्क्रू लगाकर इसको वापस
प्लेस करें और कनेक्टर को मेन पीसीबी में लगा दें। अब आप देखेंगे ये हम बल्ब इसका कैसे रिप्लेस करना है। बल्ब रिप्लेस करने के लिए ये आप देखें यूनिट के अंदर, ये आपका बल्ब है, ये बल्ब होल्डर है और ये फिक्स है इसके अंदर। ये आपको बल्ब दिखेगा, ये देखिए ये बल्ब है, इसके यहां पे ये तीन स्क्रू लगे हुए हैं। इन स्क्रू को आपने खोलना है, इन स्क्रू को जब आप खोलेंगे इन स्क्रू को आप खोल के बैक से आपका इसके अंदर ध्यान रखें, इसके आगे ग्लास लगा हुआ है, इस ग्लास को बड़े ध्यान से हटाएं, ये लूज ग्लास है, जैसे ही आप इसको खोलेंगे ये निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। इसमें आप ये देखें ये बल्ब है, चूड़ी वाला बल्ब है, 15 वॉट का बल्ब है जो कि मार्केट में भी अवेलेबल होगा, अगर लगाना चाहें तो वहां से लेके लगा सकते हैं। नया बल्ब लें, उसको फिक्स करें, बल्ब ग्लास को बड़े आराम से इसकी जो सी ग्रूव्स बने हुए हैं उन ग्रूव्स में लगाएं, ये देखें ग्रूव्स में आराम से लग जाएगा। इसको होल्ड करें और वापस बैक साइड से इसको प्लेस करें और आगे से इसके स्क्रू जो से हैं वो लगा दें।